मिशन हौसला के तहत बागेश्वर पुलिस जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर सभी थाना व चौकियों के प्रभारी गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बागेश्वर के कोतवाल डीआर वर्मा के नेतृत्व में जोलकांडे गांव में राशन वितरित किया गया, जबकि कपकोट के थानाध्यक्ष मदन लाल, एसओजी प्रभारी कुंदन रोतेला, बैजनाथ थानाध्यक्ष पंकज जोशी सहित अन्य स्थानों के प्रभारी उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें राशन, दवाएं व अन्य जरूरी सामग्री मुहैया करा रहे हैं, जो कि परेशानी के कारण बाजार से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इधर लोगों ने बागेश्वर पुलिस की सहयोग के लिए सराहना की है। कोविड-19 के तहत जो इस टाइम महामारी का जो बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा मिशन हौसला चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी पुलिस हर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच रही है और उन्हें हर संभव प्रयास किया जा रहा है उनके समस्याओं का निराकरण करने का। इसी के तहत कल मेरे द्वारा भी स्वयं ग्राम पनोरा में एक विधवा महिला थी, जरूरतमंद, बहुत गरीब, हंसा देवी, जिसके पति स्वर्गीय विष्णु राम का देहांत हो गया था, कि छत हमें जानकारी में आया ग्राम प्रधान के माध्यम से कि भाई उसकी जो है पूरी छत टूट चुकी है। तो हमारी थाना पुलिस द्वारा स्वयं अपना प्लास्टिका तिरपाल लाकर उसकी छत को ढका गया तथा उसे थोड़ी सी राशन की समस्या थी, उसे राशन मुहैया कराया गया। इसी के तहत हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, मेरा सभी ग्राम प्रधानों से भी अपील है, जो भी इस प्रकार के लोग हैं आप तत्काल हमें सूचना दें, हर संभव हमारा पुलिस विभाग, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता की जा रही है और हर संभव उनके द्वारा मदद का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से मदद दे रहे हैं। तो मेरा यही सभी से अनुरोध है, यदि किसी भी गाँव में कोई भी इस प्रकार के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग जो बिल्कुल ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं वृद्ध महिलाओं, वृद्ध जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप तत्काल मुझे इस बारे में सूचना दें, ग्राम प्रधान सूचना दें, किसी भी माध्यम से जो भी सूचना मेरे पास आएगी मैं हर संभव इस बात का निराकरण का प्रयास करूँगा। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।